काले तिल का ये उपाय आज ही कर लेना, मिट जाएंगे सारे दुख दर्द। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धटोट के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज आपको ऐसे ही वीडियोस मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी में मिल रहे हैं, जिनको करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है वो समझिए, उससे पहले करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे आपकी ज़िंदगी में उतनी भलाई आने वाली है, इसलिए भी शेयर कर देना, क्योंकि आगे उपाय सुन करके आपको मज़ा आने वाला है। आपको आगे सुन करके उपाय को आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा उपाय है। तो आइए समझते हैं उपाय क्या करना है। आपको खरीदने हैं 1.25 किलो काला तिल, अच्छा वाला काला तिल। अगर घर में आप रखे हैं काला तिल और साफ सुथरा है तो आप उसी में से 1.25 किलो काले तिल का प्रयोग कर लीजिएगा, और नहीं तो आप बाज़ार से जा करके बढ़िया वाला काला तिल खरीदिए 1.25 किलो, और उसे घर ला के धो के सुखा दीजिए, और इसके बाद इसे किसी भी देवी पंडाल में ले जा कर के इसे दे दीजिएगा हवन के उद्देश्य से, और बस हो गया आपका काम। वो उस तिल का जब हवन होगा तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख जो है वो मिट जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। कोई भी आपका रिश्ता ख़राब है, आपका बिजनेस ख़राब है, आपका कुछ कुछ जो भी चल रहा है, आपकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, आपके रिश्ते में दिक्कतें चल रही हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप टीचर हैं लेकिन आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसी कितनी भी दिक्कतें हैं जीवन में, वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, आप अपने घर के लिए, अपने लिए करिए। आपका खुद का राहु का दोष है तो समाप्त हो जाता है। तो आप इस उपाय को जरूर करें और देखें इसका लाभ। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो समझ आया हो। आपको बस 1.25 किलो काले तिल लेने हैं और उसे ले जा करके दे देना है इस उद्देश्य से कि उसका हवन हो। यदि वीडियो देर से देखते हैं, धोने सुखाने का समय नहीं है, तो आप वैसे ही ले जा करके दे दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। देना चाहिए साफ सुथरा करके। फिर भी आपकी मजबूरी है, आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही दान करें और इसका लाभ लें। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।